हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में नेचर विद मी। आज हम देखेंगे कि एक्जोरा का जो फ्लावर है उसकी केयरिंग और उसके फूलों के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक्जोरा का फ्लावर है ये, देखिए आप, रेड फ्लावर है इसके, देख सकते हैं आप। और ये कलियां भी आ रही है, देखिए। ये अभी उगने वाली है और ये उग चुके हैं, फूल खिलने वाले हैं और ये खिल चुके हैं ऑलरेडी, देखिए। ये ऐसे होते बाद में, तो इसकी केयरिंग कैसे करनी है आपको। इसकी मिट्टी अल्कलाइन नहीं होनी चाहिए, एसिडिक होनी चाहिए। इसका जो पीएच रहता है वो एसिडिक ही होना चाहिए। अगर अल्कलाइन हुआ तो फिर आपको उसके लिए केयर करना होगा। तो आप उसके लिए मैं क्या करता हूँ? तो देखिए, ये इसकी जो पीएच रहती है सॉइल की, ये अल्कलाइन नहीं होनी चाहिए, एसिडिक होनी चाहिए। अगर अल्कलाइन हुई आपकी पीएच तो इसे फूल आएंगे नहीं, इसलिए हमें हमेशा एसिडिक रखनी पड़ती है। और ज़्यादा पानी भी इसे नहीं दे सकते। अगर ज़्यादा पानी दिया तो अभी ये पौधा सूख जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए हमें इसको पानी में कम देना है और मेंटेन रखना है इसकी पीएच। और इसी तरह हमें इसके फ्लावरिंग, देखिए बहुत सारी फ्लावरिंग होती है अगर हम अच्छे से इसका ख्याल रखेंगे तो। और इसी तरह हमें ख्याल रखना है और किस तरह का हमें और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, ये हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो बनी रहे, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे तक जाइए। अभी हम इसके ये करने वाले हैं, गुड़ाई करने वाले हैं। देखिए इस तरह से इसकी गुड़ाई करते हैं। ज़्यादा जोर से नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से करना है। अगर ज़्यादा जोर से करेंगे तो मिट्टी ऊपर ज़्यादा आ सकती है, तो उसको डैमेज हो सकता है, इसलिए हल्के हाथों से नहीं करना है। रूट जो होते हैं उसको डैमेज हो सकता है, हल्के हाथों से करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसमें हम दो टाइप के फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर जिसे हम जैविक खाद भी बोलते हैं, जैविक खाद और रासायनिक खाद दोनों डाल सकते हैं। अगर आप रासायनिक खाद डाल रहे हैं तो आपको इसे कम मात्रा में डालना होगा, जैसे कि जिससे हीट ज़्यादा ना प्रोड्यूस हो। और कभी कभी ज़्यादा मात्रा में डालने से पौधा जो है सूख जाता है या ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें उसे कम मात्रा में डालना है। अगर जैविक खाद डाल रहे हैं तो उसे आप ज़्यादा मात्रा में डाल सकते हैं, उसका इतना कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, दुष्परिणाम नहीं आता पौधे पे। तो ये आपकी चॉइस पे ऊपर है कि आपको कौन सा खाद डालना है, जैविक या जैविक भी डाल सकते हैं आप और रासायनिक भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो फिलहाल हम यहाँ पे जैविक और रासायनिक दोनों का मिक्सचर डाल रहे हैं, जिससे कि दोनों के फायदे मिल सके और खाद भी अच्छा दे। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने यहाँ पे जैविक खाद लिया है, वर्मी कम्पोस्ट है, ये नीम खली है, एप्सम सॉल्ट है, जो व्हाइट क्रिस्टल देख रहे हैं आप ये एप्सम सॉल्ट है, और ये डीएपी है। अगर आप ये चाहे तो सब ले सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिया है, वर्मी कंपोस्ट है, डीएपी है, एप्सम सॉल्ट है और नीम कली है, देख सकते हैं आप। ये सब मिक्स करके हमें पौधे में डालना है, जिससे हमारे पौधे को बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिले और लॉन भी अच्छी होती है, इसके रूट भी अच्छे ग्रोथ करते हैं। और जो सॉइल में जिसकी भी कमतरता हो उस सारे इंग्रेडिएंट को ये भर देता है। अब हमें इसे मिक्स करना है अच्छे से। और अगर आपके पास सीवीड हो दोस्तों, तो सीवीड आप कोई भी कंपनी का जो आपके पास अवेलेबल हो आपके नज़दीकी स्टोर्स में, आप वो भी डाल दे सकते हैं, जिससे कि इसके ब्लूमिंग बहुत अच्छे से आती है फूलों की। और जैसे ही आप डालोगे, देखिए आप किस तरह से डालना है हमें, इस तरह से हमें डालना है, एकदम उसके जड़ के पास नहीं डालना है, ऊपर ऊपर डालना है, जो हमने किया था उसे गुड़ाई की थी उससे जहाँ पे किए वहाँ पर डालना है। फिर बाद में मिट्टी से ढक देना है, ताकि अगर बारिश गिरे या पानी गिरे तो बह के ना चला जाए। देख सकते हैं आप इस तरह से डालना है हमें। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरा दूसरा एक्जोरा का ब्लेंड है, ये पिंक है इसका कलर, देख सकते हैं अभी इसकी
फूल नहीं है इस पे, अभी आएंगे इसके, अभी हमें इसकी भी गुड़ाई कर लेनी है अच्छे से। खाद देने से पहले कभी भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमें गुड़ाई अच्छे से कर लेनी है, हल्के हाथों से करनी है, जिससे कि जो रूट होते हैं पेड़ों के उसके कोई डैमेज ना पहुंच सके। हल्के हाथों से इस तरह से करना है आपको। और अगर कुछ इसमें वीट वगैरह आया हो, वीट तो वो निकल जाएगा, वीट जो अननेसेसरी वीट आता है इसमें वो निकल जाता है, और पौधे को अच्छे से खाना मिलता है हमारे। इसमें भी हमने जो दिखा अभी पहले बताया था वही सब खाद का मिक्सचर करना है जो आपने पहले देखा था, अभी वही हम खाद डाल रहे हैं इसमें। इस तरह से हमें ये अभी डालने के खाद डालने के बाद इसे हमें मिट्टी से ढक लेना है अच्छे के तरीके से, अच्छे तरीके से। और फंगीसाइड वो इससे फंगीसाइड भी नहीं होगा, और अगर आपके पास फंगीसाइड है तो उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि पन्ना जो पत्ते होती है फूलों के या पेड़ों के वो डैमेज नहीं होंगे और आपके पत्ते भी अच्छे होंगे। ये देखिए इस पर स्प्रे किया था तो अच्छे, अभी देखिए तो कोई भी बैक्टीरिया, बारिश के दिनों में अक्सर होता है कि पन्ने खराब होने लगते हैं हमारे पत्ते के, पौधों के पत्ते झड़ने लगते हैं, तो ये इस आप अगर फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे तो ये देखिए अभी नए आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, ग्रोथ देखिए इनकी, तो इस तरीके से अच्छे से ग्रो होगा। फंगीसाइड का स्प्रे आपको करना है 1 लीटर पानी में एक चम्मच डालना है, और उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। सांप का अगर ले चाहे तो सांप का भी ले सकते हैं, या आपके पास जो मिलेगा वो आप ले सकते हैं फंगीसाइड, और आपको स्प्रे करना है जिससे कि जो पत्ते रहते हैं उसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, और कोई अगर कीटाणु या रोग भी लगा है तो वो नहीं लेगा। बारिश के दिनों में अक्सर होता है ऐसे, तो आपको फंगीसाइड लेना है और इससे नई पत्तियां भी उगाएंगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब नए पत्ते आते हैं तो इस पे इंसेक्ट लगने का खतरा बना रहता है बारिश के दिन में, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको एक तो रोगर या इंसेक्टोपीड नाम का जो पेस्टिसाइड होता है वो आपको उसका स्प्रे करना है, तो उससे आपके जो नए पत्ते हैं वो इंसेक्ट नहीं लगेंगे और आपके नए पत्ते उगेंगे, और इस तरह से इसकी ग्रोथ होगी। ये देख सकते हैं सभी नए पत्ते उगे हैं, इस पे मैंने किया था पेस्टिसाइड का स्प्रे, तो इस प्रकार आपका भी आ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और जब पत्ते जब आपके जो फूल होते हैं वो जो सूख जाते हैं या झड़ जाते हैं तो आपको क्या करना है, ये जो ल्यू दिख रहे हैं आपको, ये दो ल्यू इसको कट करना है उस ब्रांच के साथ, ताकि वहाँ पे नया फूल आ सके। तो इस प्रकार आपका भी अच्छे से ब्लॉसम होगा पेड़, देख सकते हैं आप, ये अच्छे से ब्लॉसम हुआ है, यहाँ पे भी आ रहा है देखिए, और ये कलिया आप देख सकते हैं, इस प्रकार आपका भी ब्लॉसम होगा। कट करने से ऐसा और देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप जहाँ पे फूल आया आपको दो पत्ते हैं उसके कट करने हैं और उस ब्रांच को कट करना है तो ब्लॉसम होगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से अब नए फूल आएंगे, कलिया आना शुरू होगा थोड़े दिनों में। ये देखिए आप कैसे यहाँ पे ब्रांच नहीं आ रही है, इस पे फिर से फूल उगेंगे, टाइम लगता है लेकिन आएगा। तो देख सकते हैं आप ये मेरा लाल एक्सोरा और ये पिंक, तो इस तरह आप अपने एक्सोरा प्लांट की केयर करें और ब्लूमिंग अच्छे से इसका लाभ उठाएं। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी नए नए वीडियो लाते रहेंगे, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी बूस्ट मिलता है नए नए वीडियो लाने के लिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेगा, तब तक के बाय बाय।